अच्छा जी, हम इसका ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसे ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया, तो हमें एक साइड से रखें, ये पेनिस है, ठीक है, ये हमारी टेस्टिस पड़ी हुई है, टेस्टिस से ये निकल रहा है डक्टस जैफेस, स्पर्मेटिकॉइड इसके अंदर होता है, कॉन्टेक्ट में आ रहा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपको पता है ऊपर से आके नीचे आता है, तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा हुआ है, ये सेमिनल वेजिकल है, और ये दोनों मिलके आपको पता है मतलब ये डक्टस डेफरेंट और सेमिनल वेजिकल एक मिलके एजेकुलेटरी डक्ट बना देती है। ये देखा जाए तो ये यूरिनरी ब्लैडर है शेम शेप, ठीक है, ये बिल्कुल इसके जो पीछे होगी ये होगा रेक्टम होगा, क्योंकि मेल है तो वजाइना इसमें होगा नहीं, तो इन दोनों के दरमियान स्पेस को क्या कहते हैं, रेक्टो वेजाइकल स्पेस जो है वो आ जाएगी। और इसके बाद अगर हम पीछे चला जाएं तो ये सैक्रल है, सैक्रल सॉरी वर्टिबल लंबर वर्टिब्रा है, और ये सैक्रल वर्टिब्रा है, ठीक है। आपको पता है कि फोर्थ जो लंबर है उसके सामने कॉमन ट्रंक जो है सॉरी एओर्टा जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा डिवाइड होता है इनटू द एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक जो आर्टरीज हैं उसमें, बाहर वाली जो होगी वो एक्सटर्नल होगी, अंदर वाली जो होगी इंटरनल होगी, सेम एज सच इसमें होगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा डीप पूछ लिया जाए कि इसकी सप्लाई वो दिखाई नहीं गई लेकिन वो टेस्टिकुलर आर्टरी होती है तो वो उसमें आ जाएगी बेसिकली।